हाय गुड इवनिंग। तो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट हो रहा है, रास्ते से। कल एक्चुअली सर ना बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, मॉर्निंग से ब्लॉग इनका स्टार्ट हुआ ही नहीं। हालांकि इनको भी करना था, खैर लेकिन वही है ना, हम नहीं चाहते कि फ्रेंड्स जब ना एक दिन अगर गैप कर दे तो फिर वो ब्लॉग मिस हो जाता है। जैसे कि आज सैटरडे, आप लोगों को कोई ब्लॉग मिला नहीं, कल मिलेगा। हाँ कोई बात नहीं, आज इवनिंग से हमने फिर से स्टार्ट कर दिया। और हमने सोचा, हमने ना रिस्क ले लिया, हम सोचा बारिश नहीं होगा तो हम स्कूटी लेके आ गए, लेकिन थोड़ा थोड़ा बूंदे, लेकिन मजा आ रहा है, ये वेदर एकदम फर्स्ट क्लास। लेकिन काम भी बहुत सारा है। चलिए फिर अभी से ना, अभी इवनिंग का टाइम है, आज है सैटरडे और अभी 6:45 हो रहा है, तो अभी से हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। आशा करती हूँ बहुत अच्छा लगेगा, साथ में बने रहिए। छोटा छोटा कुछ काम है मैडम का भी, मेरा भी, तो वो भी कम्प्लीट करने जल्दी। चलिए ये श्रेया कुछ खास जगह का अभी आज उनका इंस्पेक्शन चल रहा है, काम कहाँ तक पहुँचा है। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए हम भी देखते हैं थोड़ा सा काम कहाँ तक पहुँचा है। देख लीजिए हम ये कर दिए, अचानक तक खाली कर दिए। एक्चुअली तो काम ठीक चल रहा है यहाँ पर, बढ़िया बिल्कुल इम्प्रूवमेंट तो आ रहा है नजर। जल्दी हो जाएगा कंप्लीट। क्या क्या कंप्लीट हो जाएगा? हाँ काम कंप्लीट हो जाएगा। हवा देखो देखो कौन सा चल रही है, हवा देखो। देख लिया मैडम ने, काम बहुत अभी बचा के रखा हुआ है। काम तो है लेकिन काफी मतलब वो भी है, इम्प्रूवमेंट भी है। मुझे यहाँ का सबसे अच्छा चीज जो लगता है वो है हवा, मन भर जाता है फ्रेंड्स। मैडम का ठीक काम चल रहा है अपना रील्स का। यहाँ का भी काम हो गया, काम हुआ लेकिन आधा अधूरा, आधा अधूरा हो गया। मैडम ने वो छोड़ दिया अंदर में, वो वहाँ पर कान का और गले का ना ज्वेलरी छोड़ दिया यहाँ सर के वजह से, आभूषण इनके वजह से, इन्होंने याद भी नहीं दिलाया। चलिए फिर हम लोग आएंगे फिर कल, नहीं कल ही आना, कल ही। हाँ कल आ, अच्छा नहीं लगता है ना, जैसे कोई और भी तो ले सकते हैं। ठीक है हाँ चलिए अब जाना है हमें। हाँ कुछ मेडिसिन नहीं लेना है, बट हमें कुछ जैसे बोर्डिन वगैरह वो सारा चीज़ लेना है और कुकीज़ बिस्किट। और उससे पहले मेरे को जाना है, शूज़ मेरे को लेना है। हाँ 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 पेंडिंग, 3-4 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। 3-4 साल एक महीना से आए नहीं है काम। चलो चलिए फिर इनका 3-4 साल से पेंडिंग काम फिनिश करते हैं। मैडम तो लास्ट मंथ ही आई थी, मैं आती रहती हूँ। अच्छे से चल के दिखाओ, सही है ना, लूज तो नहीं। ठीक है सर, लूज है। मैंने बताया 2 नंबर लाने के लिए, मतलब 5-6 नंबर। मैम के लिए ये पसंद कर रहे हैं हम लोग। जॉगिंग के लिए ले लेते हैं, ले लीजिए। जॉगिंग एकदम देखो लाइट जल रहे हैं ना, लाइट। सो एज यूजुअल मेरा साइज नहीं मिला यहाँ पर, तो कल आज यूजुअल नहीं, हर बार मिल जाता है। इस बार जो इनको पसंद हो रहे वो उसका साइज अच्छा था, वो हमें अच्छा लग रहा है। लूज हो रहा था कलर वाला थोड़ा सा, जो बड़ा था उसी का छोटा साइज बता दिया, कल आ जाएगा। हाँ पहले तो भैया ने बोला कि 1 हफ्ता टाइम लगेगा, तो फिर हमने बोला फिर और कहीं पर हम जाते हैं, तो उन्होंने बोला कल तक आ जाएंगे। वो सिग्मा रूल लगा दिया हमने वहाँ पर कि हम कहीं और जाके देख लेते भैया। एक्चुअली हम यहीं पर आते हैं ज़्यादा। अब सैटरडे है ना, और आज ही सर को डोसा खाने का मन कर रहा है। मसाला स्पेशल मसाला डोसा ऐसे है कि मन कर रहा है, देखते हैं मन का क्या करे, मन तो करेगा ही। मेडिसिन भी हो गया लेना, चलो। मेडिसिन नहीं है, थोड़ा सा कॉस्मेटिक्स वगैरह भी है।
मेडिसिन है ही नहीं यहाँ पर, सारे कॉस्मेटिक्स ही है बिल्कुल। फेस वॉश है, डीओ है, बोर्लिन है, डाबर अमला हेयर ऑयल है मम्मी के लिए, हॉर्लिक्स है और हाँ बोर्लिन ही है। तो मैडम का हो गया यहाँ पर हल्का फुल्का, टाइम लग गया काफी। अभी पीछे ना इन लोगों के लिए पिलोज वगैरह भी हमें रखना पड़ेगा। देखिए एकदम मतलब मेरी बहन मेरा जो मेरे मतलब पैर को मसाज कर रही है ना, मुझे बीच बीच में बहुत मील हो जाता है दोनों में, ब्रेक दबेगा तो मसाज पूरा एकदम नीचे गिर के होगा। तो मैडम को डोसा खाने का मन था? नहीं मैडम को बिल्कुल नहीं सर कोई, क्योंकि आज है सैटरडे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग कॉर्नियन अवॉइड करते हैं, बट ये है कि सर को ना एकदम से सब कुछ इसलिए मन में आता है फिर। तो अब मैं मना नहीं करती हूँ, जब भी इनको ऐसा कुछ मन होता है बहुत ही रेयर मना करती हूँ, तो चलो ठीक है कोई नहीं। तो अब हम घर पे आए हैं दोनों बच्ची को लेने के लिए, पापा मम्मी से भी पूछ लिया बट नहीं, पापा मम्मी हर बार की तरह मतलब उनको इडली खाना है तो पैकिंग करके हम लेके आएंगे, तो मतलब वो जाएंगे नहीं। तो ठीक है, ये शाम का टाइम जो है ना दोनों टीवी एंजॉय करते हैं, वो सीरियल जो होता है बंगाली सीरियल, तो सीरियस या सीरियल, सीरियल सीरियल सीरियस में मैं मूवी कभी कभी ना बोलने के टाइम ऐसा बहुत सारा बात ऐसी बोल देती हूँ जो कि बोलना कुछ था और मैंने बोल कुछ दिया, अब एडिट करने के टाइम पता चलता है तो उस टाइम क्या करूं। तो ये भी है कि हाँ सामने वाले जो भी देखेंगे वो समझ जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग जा रहे हल्दीराम, वहाँ का डोसा बहुत ही टेस्टी है, स्पेशल मसाला डोसा उस दिन लिया था एकदम क्रिस्पी, तो वही आज मन कर रहा था, तो चलिए चलते हैं वहाँ पर। चलिए पार्किंग बहुत दूर मिला बट मिल गया फाइनली बिल्कुल, और ना बहुत ज्यादा भूख भी लग गया है और ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, बारिश हुआ है ना सुबह से, टाइम नहीं लगेगा क्योंकि खाना क्या है ये डिसाइड। चलो 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 की अच्छे देखो तो बर्थडे पार्टी बेबी ज्ञान वर्मा चलो 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 आ गया चिंपू का इडली सांभर। अरे डैडी अगर हमारे को जितना भी नहीं अंकल को ले ये मत। मेरा भी आ रहा है स्पेशल मसाला डोसा। कभी आ गया क्या आ गया मसाला डोसा, स्पेशल मसाला डोसा मालो। मेरा अभी कुछ आया नहीं। तो हम लोग का फाइनली सबका आ चुका है एकदम डोसा इडली। ये फिर से आ गया इनका क्या क्या ऑर्डर दे दिया फिर से, ये मजेदार चीज है ठंडा ठंडा। इसका नाम क्या है? ये राज कचोरी। और मैडम ने यहाँ पर मंगा लिया गोलगप्पे। चिंपू खावे बाबू। हाँ तो यहाँ पर श्रेया ने कर दिया राज कचोरी का कचुम्बर, बहुत टेस्टी है, बहुत ही अमेजिंग। गोलगप्पे मैडम को आज बहुत इच्छा था गोलगप्पे खाना है, गोलगप्पे खाना है ये सेल्फ प्रिपरेशन गोलगप्पे है। सो ये पापा मम्मी के लिए इडली लिया है और श्रेया ने क्या लिया है? बेसन का लड्डू।
प्रेशर का लग ले आमी नियाज़ बगाड़ीटा हाँ हाँ पार आराम से पार बारिश बारिश आमी खुले देव जाओ जाओ हम ये डूब गया वीडियो लेना कितना अच्छा मौसम बोल रहे हो वीडियो बाद में बनाइए पहले चलिए वो आराम से वीडियो बनाते हुए खैर वैसे सही है बारिश में ना भीगने का मजा ही अलग होता है तो मैं तो हड़बड़ी से आ गई छोटी बेटी को थोड़ा सा ना कोल्ड कोल्ड सा मुझे लग रहा है दो दिन से अभी देखिए और तेज हो गया हमारा डिसीजन बहुत सही था कि स्कूटी रख के हम गाड़ी लेके आए सोच रहे थे कि स्कूटी में आ जाए हाँ लेकिन स्कूटी रख के फिर गाड़ी लेके बहुत अच्छा हुआ तो फ्रेंड्स आज का डिनर तो बहुत ही बढ़िया हुआ तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा छोटा हो गया है लेकिन ये है फ्रेंड्स हम हमारा एंजॉयमेंट हमारा मतलब डेली ब्लॉग है तो हम जो भी कर रहे हैं वही सारा शेयर करना चाहते हैं तो वही कर रहे हैं तो अगर आप लोगों को हम पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा तो कल एक बहुत ही जल्दी न्यू वीडियो के साथ मिलती हूँ तो आज के लिए गुड नाइट और एक चीज़ है काम अभी तक चल ही रहा है हम लोग जो देख रहे थे काम अभी प्रोग्रेस में है मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्दी उसके रिगार्डिंग हम डिटेल में वीडियो शेयर करेंगे तो चलिए आज के लिए गुड नाइट लव यू ऑल बाय बाय।